नमस्कार दोस्तों, अभी मुझे एक कॉल आया और कॉल आने के बाद उन्होंने ऐसा बताया कि एक जो सांप है उस सांप को जो है जो लिफ्ट होती है लिफ्ट, तो लिफ्ट के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर वो जाकर नीचे की तरफ वो गिर गया है या वहाँ पे पहुँच गया है। तो लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप जल्दी आइए और उसको वहाँ से बाहर निकालिए। तो अभी वो लिफ्ट के नीचे कहाँ पर है ये तो जाने के बाद पता चलेगा और कौन सा सांप है तो ये स्पॉट पर जाकर पता चलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और हम लोग स्पॉट पर पहुंचेंगे और बाकी की जानकारी मैं वहां पे स्पॉट पर जाने के बाद देता हूं। तो हम लोग स्पॉट पे पहुंच गए, जैसे आपको मैंने बताया था कि स्पॉट पे जाने के बाद हम बताएंगे कौन सा सांप है देखा गया। तो मुझे जिन्होंने फ़ोन किया था वो हमारे सामने खड़े, सर आपका नाम क्या? कमलेश। ये कमलेश जी हैं, तो इन्होंने हमको कॉल करके बताया कि एक लिफ्ट में यहाँ पे उन्होंने सांप को देखा है। तो आपको मैं जगह दिखा देता हूँ, पहले इधर कट कर पहले फ्लैश मोड चालू कर लेके देखिए। हमारे चैनल है ना, चैनल में दीपक शर्मा ने कहता। तो आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने बताया हमको कि यहाँ पे सांप को देखा है। तो अभी हमको तो पता नहीं सांप कौन सा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे सही सलामत उसको पकड़ने की। और पकड़ने के बाद थोड़ा सा मैं इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा जानकारी देता हूँ और देने के बाद फिर हर बार की तरह हम लोग जो है सांप जो पकड़ के हम लोग जो उसको नेचर में छोड़ देते हैं, क्योंकि गलती से वो कुछ शायद शिकार के चक्कर में यहाँ पे आ गया। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कौन सा सांप देखता है। आपने लास्ट कहाँ पे देखा था? जो इतना काट पे चखा इसके नीचे। टॉर्च मारना जरा आप ऊपर से। गर्गे वगैरह असेल ना, असं लोक बघत असतील ना, तर मग लोक तिकडे शेवटचा ते पेपर चा कट बंद आहे ना? बंद आहे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रैट स्नेक है इसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया, आप देख सकते हो रैट स्नेक। और बाहर आके बाद तो वापस इसकी थोड़ी सी मैं पहचान बताता हूँ आपको। अभी यह घबरा रहा है बच्चा है, तो ये क्या करेगा, बाइट लेगा मुझे काफी जोर से। तो ऊपर आने के बाद मैं बताता हूँ आपको। कट कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। तो आपने देखा कि हर बार आपने देखा हम लोग अलग अलग सांप को अलग अलग जगह से
ऐसे ऐसी जगह से हम लोग उसको पकड़ के लाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भूख और गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होती, ये भूख की तलाश में किस हद तक जा सकते हैं। तो इसका एक जीता जागता एक सबूत है, एक आपके सामने एक उदाहरण है कि आप देख सकते हो ये लिफ्ट है, और लिफ्ट में देखे कहाँ से वो सांप कहाँ पे पहुँच गया, खाली भूख की वजह से और एक खाने की तलाश में। तो ये नुकसान किसी का करता नहीं है, चाहे कितना भी जहरीला सांप हो, सांप जो है वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आता। उसको पता नहीं कि ये इंसान है या इंसान की बस्ती है, इंसान का घर है और उसके अंदर मुझे दाखिल होना, यह उसे पता नहीं है। वो सिर्फ शिकार का पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच जाता है। फिलहाल तो हमने जो रेस्क्यू किया है वो है रैट स्नेक, जिसको हम लोग धामन बोलते हैं। हर बार वीडियो में मैं इसका हर बार आपको बार बार जिक्र इसलिए किया है क्योंकि हम जहाँ से हम लोग सांपों को पकड़ते हैं तो हर बार जो जगह अलग होती है, वहाँ पे लोग अलग अलग होते हैं, तो हर बार लोगों को बताना पड़ता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं। बहुत सारे लोगों का जो डाउट है वो थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ जैसा मैं हर बार बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, तो ये रैट स्नेक जिसको धामन बोलते हैं, फिलहाल ये बच्चा है, इसकी जो लंबाई है ये 12 फुट तक पाया जाता है। ये काफ़ी बड़ा होता है साइज में, इसकी वजह से लोग इसको देखकर डर जाते हैं। सब सांपों में सबसे फुर्तीला सांप है ये, काफ़ी जब ये घबरा जाता है, घबराने के बाद क्या होता है ये काफ़ी तेज़ हरकत करके भागने की कोशिश करता है, और इसके साइज को देख के लोग डर जाते हैं और कई बार लोग इसको कोबरा समझ के या नाक समझ के इसको मार देते हैं। तो इसको मारना नहीं है क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा करता है चूहों को खाकर, और चूहों को खाकर ये जो हमारे इकोसिस्टम को है जो बैलेंस बना के रखता है। क्योंकि आपको मैं हर बार बताता हूँ, चूहे जो है साल में कम से कम 250 से 300 बच्चे हर साल देते हैं चूहे, तो इनकी आबादी को ये जो है खाकर उनको कंट्रोल करता है। तो आपको एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ धामन सांप, इसको कैसे पहचानना नज़दीक से एक बार दिखा देता हूँ। आप देखो इसके चेहरे की तरफ देखिए, इसका निचला भाग जो होता है पीला पीला होता है येलो कलर में। इसके गर्दन के नीचे आपको देखो जो लाइनिंग्स दिखाई देंगी, हर बार आपको मैं बताता हूँ, ये खाली ये धामन सांप ऐसा है कि जिसके गर्दन के नीचे और गर्दन के आसपास हमेशा ब्लैक कलर की लाइनिंग्स आपको दिखाई देगी। ठीक से दिख रहा है, ज़्यादा नज़दीक में जा उड़ जाएगा नहीं तो, चाहिए तो जूम कर थोड़ा आराम से ले। थोड़ा पीछे ले, हाँ जूम करो उसको सर, उधर से आउट नहीं होना मुझे सर। इसके गर्दन का निचला हिस्सा आपको दिखाता हूँ, देखिए इसके गर्दन के नीचे का हिस्सा देखिए आप, ये देखिए इसके ब्लैक कलर की आपको लाइनिंग्स दिखाई देगी। ये यहाँ पे आपको लाइनिंग्स दिखाई देगी, ये देखिए यहाँ पे लाइनिंग्स, और इसके शरीर में ब्लैक कलर की पूरे शरीर पर लाइनिंग्स होती है, ये पूरे ब्लैक कलर की आपको लाइनिंग्स दिखाई देगी। और पूंछ जो होती है, इसकी पूंछ जो होती है जालीदार पूंछ होती है, हर बार आपको बताता हूँ, ये जाली की तरह आपको जो इसकी पूंछ दिखाई देगी तो समझ आना है रैट स्नेक है, धामन कॉमन सांप है, ये घरों के आसपास हमेशा रहता ही है, कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब सांप जब बड़ा होता है, ये कम से कम जब 5 फुट के आगे से जब होता है बड़ा, तो बड़ा होने के बाद जब आप इसको गौर से देखोगे तो इसका जो चेहरा है, चेहरा आपको छोटा दिखाई देता है, गर्दन छोटी, और बाद में इसका जो शरीर वो बड़ा हो जाता है। इसके अंदर अभी ये छोटा है इसलिए आपको इतना दिखाई नहीं देगा। तो ये इसकी एक पहचान है, और इसके गर्दन के नीचे और गर्दन के आसपास हमेशा ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है जो धामन सांप को होती है। पूरे शरीर में छोटे छोटे ब्लैक कलर के इसके ऊपर पट्टे होते हैं, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये ब्लैक कलर के पूरे शरीर के ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे आपको पट्टे दिखाई दे देंगे। और पूंछ जो होती है इसकी जाली की तरह नजर आती है, जालीदार पूंछ, तो इसको देख के समझ जाना है रैट स्नेक है। और थोड़ा सा एक बार इन्फॉर्मेशन, आप इधर आइए सर, आइए आप भी आइए, सब लोग आओ ना इधर नजदीक आओ। तो आपको थोड़ा सा एक बार वापस से बता देता हूँ, जिस तरह मैं हर बार वीडियो में जिक्र करता हूँ धामन सांप के बारे में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कोई भी सांप दुनिया में कोई सांप ऐसा नहीं है कि जो दूध पीता है, दूध से सांप का लेना देना नहीं है। हर बार आपको वीडियो में जिक्र करता हूँ लेकिन मुझे फिर भी बार बार बताना पड़ता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मुझे सवाल करके पूछते हैं कि सांप दूध पीता है या नहीं पीता। तो सांप का जो है दूध के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दो ये स्तनधारी नहीं है, ये शुद्ध मांसाहारी है। ये मेंढक, छिपकली, गिरगिट, चूहे सिर्फ वही खाने के लिए आता है और वही खाता है, इसके अलावा ये कुछ खाता नहीं।
दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि धामन साहब जो है भैंस के या गाय के पैरों को लपेट कर उसका दूध पी लेते हैं, तो ये सब बकवासबाजी है। हर बार आपको वीडियो में मैंने इसके बारे में भी जिक्र किया है। तो ऐसा कोई सांप किसी जानवर को पैर को लपेट कर उसका दूध पीता नहीं है, क्योंकि दूध से सांप का कोई लेना देना नहीं है। इनमें बाकी पशु पक्षियों की तरह हड्डियाँ नहीं होती, इसके अंदर खाली एक कॉमन हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसका। इसके अलावा उसमें हड्डियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से कैल्शियम को हजम नहीं कर सकता। इसको अगर ज़बरदस्ती हम लोग दूध पिलाएंगे तो ये वैसे ही बीमार होकर बुखार से या उल्टी जुलाब से, ये वैसे ही सांप जो है 4-5 दिन में वैसे ही मर जाएगा। तो सांप के साथ, सांप को जब भी आप कोई, अगर नागपंचमी के दिन अगर आपके पास कोई सपेरा अगर कोई सांप लेकर आता तो उसको दूध पिलाने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उसको वहाँ से जब्त करना है और वहाँ से उसको लेकर किसी सर्प मित्र को बुलाकर उसको नेचर में वापस रिलीज करना है। क्योंकि वो तकलीफ उसको देते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, और यह भूखा प्यासा रखने की वजह से क्या होता है कि 20-25 दिन का जब वो जब नाग उनके पास 20-25 दिन से जब भूखा होता है तो कोई इंसानों को वो बोलते हैं कि दूध लेके आओ। जब वो दूध लेके सामने आते तो वो इतना भूखा प्यासा होता है कि वो जबरदस्ती उसमें से 4-5 घूंट पी लेता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सांप दूध पीता है, और जब वो दूध पी लेता है तो उसके 5-6 दिन के बाद उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, और कई बार ऐसा हमारे सामने आया है कि सांप उसके बाद मर भी गया है 4-5 दिन के बाद। तो इसलिए सांप का दूध के साथ कोई लिंक नहीं है। और दूसरी बात, जब भी आपको कोई सांप काटता है, कोई भी जहरीला सांप आपको काटता है, तो आपको सीधा सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना, सरकारी हॉस्पिटल में आपको जाना है। 1.5 से 2 घंटे या 2 घंटे का हमारे पास वक्त होता है, ये ध्यान में रखना, डरना नहीं है। ये खाली फिल्मों में होता है कि सांप ने काट लिया और 5 मिनट में इंसान मर गया, तो ऐसा कभी होता नहीं है। कोई भी सांप जो है बदला लेता नहीं है, किसी भी चीज़ का बदला लेता नहीं है, ध्यान में रखना। इस तरफ कहने सुनने की बात है। तो फिलहाल हमारे हाथ में जो है रैश स्नेक है, एक बार आपको नज़दीक से फिर दिखा देता हूँ, इसको देख लो, ये बेबी रैश स्नेक है। और बस आखिरी में इतना कहूँगा कि जिस तरह इन लोगों ने इसके ऊपर नज़र बना के रखी और इसको मारने की कोशिश नहीं की और हमको फ़ोन किया और हमको पहुँचने में एक 20 मिनट का वक्त लग गया, तो इसी तरह लोगों से हम लोग हाथ जोड़कर हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप सांप देखते हो तो उसके ऊपर नज़र बना के रखो। जिस तरह इन्होंने नज़र बना के रखी, नज़र बनाने से हमको वो आसानी से मिल जाता है, जिससे हम लोग उसको वहाँ से पकड़ कर इसको बाहर जाकर दूर नेचर में छोड़ देते हैं, क्योंकि भोले भटके यहाँ पे आ गया था। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो जानकारी आपको पसंद आए, और फिर से हम लोग मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।